पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मजाक है, नाना जी। यार आज का वीडियो बहुत ही कमाल का निकल कर आ रहा है। आयुष्मान कार्ड से फायदा उठाने वाले आदमी ने जब मोदी जी के सामने घर से मोदी जी को सलूट किया तो रच दिया इतिहास मोदी जी के सामने। ना यार भाई, ये तो वॉच करेंगे तब इसके बारे में पता लगेगा, क्योंकि एक ही मोदी जी है जिसकी वजह से ये आयुष्मान हेल्थ कार्ड बादल के अंदर आया है। तो कमाल करते हैं स्टार्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम छनुला, मेरे पिताजी का नाम प्रेम। अच्छा, प्रेम नाम, प्रेम। ग्राम दिहाड़ा, पोस्ट हटरा, जिला वाराणसी, बनारसी का ब्लॉक सेवापुरी का मूल निवासी हूँ। अच्छा, सन 2005 में मैं पेड़ पर से गिर गया। अच्छा, दरख्त से गिरा। इसके कारण मेरे बाएं पैर के कुल्ले की हड्डी टूट गई थी। उसके लिए मैं बहुत परेशान था, बहुत काफी दिन से दुखी था, परेशान था। मेरे पास पैसा नहीं था। हाँ, वही ना। प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए मांग रहे थे। मेरे पास बजट नहीं था। फिर गांव में मेरी आशा दीदी से मुलाकात। अच्छा। हुई, उन्होंने मेरा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा दिया। उसी कार्ड के माध्यम से आज मेरे बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल इलाज हो सका, मुफ्त बड़े अस्पताल में इलाज हो। और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जिनका आयुष्मान कार्ड न बना हो वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ये देखो ना, लाभ उठाए। तो आपका ऑपरेशन कब हुआ? सितंबर में सर। अभी सितंबर में हुआ। तो इतने सालों तक आप परेशान रहे। हाँ, ये देखो यार, सन 2005 में मेरी कांग्रेस वाले कराते ना, तो फिर क्यों चलना फिरना हो सकता था? चलना फिरना चलते फिरते थे लेकिन बैठ नहीं पाते थे। मार के ऐसे चलता था। अभी ठीक हो गया? अभी नहीं, अभी तो पूरा दवा चल रहा ना, अभी तो 3 ही महीना हुआ, 3 महीना 10 रोज। इलाज जारी। आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, तो अभी तो मेडिसिन चल रहा है ना सर। तो डॉक्टर ने जो बताया एक्सरसाइज करने के लिए, अभी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोले हैं डॉक्टर, नहीं बोले हैं। बोले कि अभी 2 महीने तक दवाई खाओ, अभी सर्दी में पेन होगा, दर्द होगा। हाँ। 2 महीने तक दवाई खाओ, इसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो आपको कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं नहीं, निःशुल्क कोई खर्चा नहीं। और अभी दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई तो लेते हैं हॉस्पिटल से। नहीं, जन औषधि केंद्र से दवाई बहुत सस्ते में मिलती है, पता है? नहीं, वहाँ से मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, तो जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। सबको बताना चाहिए। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये तो का परिवार का अगर 100 रुपये की दवा लानी है तो 80 रुपया बच जाता है। ये भी मोदी जी ने किया यार। आपके गांव में ये देख वजह ये सिस्टम उधर है, आयुष्मान कार्ड बनवाए क्या? हाँ सर, बनवा हूँ। 10-15 लोगों को बनवा हूँ और लोगों को बनवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना बनवा ले ताकि उसका लाभ। एक प्राइम मिनिस्टर लोगों की बातें सुन रहा है कि हेल्थ के कार्ड को अभी मदद पहुंची हो, ऐसा कोई और साथी जिसको जानते हो आप? नहीं नहीं, अभी तो उसका लाभ उठाने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में तो अभी अभी आयुष्मान कार्ड आपने ट्रीटमेंट करवाया? हाँ सर। तो डॉक्टरों का ऐसा तो नहीं था ये मोदी जी का आदमी है, चलो जाओ होता है जल्दी जल्दी करके ऐसे भी होता है, ऐसा तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सर, उन्होंने मुझे 2 सितंबर को एडमिट किया, 4 तारीख को मेरा अप्रूवल आया। अच्छा। फिर उसके बाद रात में 4 तारीख को ही कैंसिल हो गया अप्रूवल मेरा। उन्होंने रोक लिया, उन्होंने रोक लिया, बोले कि मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा अप्रूवल आएगा। अच्छा। तब मैं ऑपरेशन करूँगा, क्योंकि ये सरकारी काम तो ना। जब तक अप्रूवल आएगा नहीं तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर 6 तारीख को अप्रूवल आया तो उन्होंने मेरा 8 तारीख को ऑपरेशन। वो डेट देते हैं ना, आपके परिवार को विश्वास हो गया ये मुफ्त में होगा लेकिन फिर भी अच्छा होगा, टांग काट नहीं लेंगे, ऐसा तो हुआ ना? हाँ सर, विश्वास हो गया है। तो आपको संतोष है? हाँ हाँ, मुझे संतोष है, तभी ना मैं इतना दूर चल के आया हूँ। तो आगे क्या करोगे छन्नूलाल? आगे तो अभी अब ठीक हो जाएंगे, अभी तो 8 महीने से घर पर ही है ना सर, अभी तो दवा ही खा रहे हैं। जब ठीक होंगे तो फिर सोचेंगे ना। सोचना तो शुरू करो। वाह यार, अरे पहले ठीक तो हो जाए। अरे चोट तो पैर को आई है, दिमाग को थोड़ी आई है। अरे सर, मैं अपने घर पे आप जहाँ पे बैठे हैं उतना दूर भी चल नहीं पाता। दिन भर सोया रहता हूँ, चेयर पे बैठा रहता हूँ। ये तो आपके सभा में आने का मुझे चांस मिला, मौका मिला, तब मैं इतना कोशिश करके आ सका। और मैं अपने घर पे अभी दवा खाते ऑपरेशन के बाद अभी चल पा रहे हो? हाँ, तो अभी इतना भी नहीं चलता। हाँ। जितना आप यार इलाज हुआ तो चलने के काबिल हुआ है ना। चलिए छन्नूलाल, आपको आयुष्मान कार्ड बहुत काम में आया, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अगले ने आज आप एक काम जरूर कीजिए, बिल्कुल
जितनों को भी जानते हैं उनको बताइए कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, तो आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए और कभी भी परिवार में किसी को भी मुसीबत आ जाए ये तो कहेंगे कि ना आए, लेकिन कभी आ जाए तो 5 लाख रुपए तक खर्चा जो है मोदी कर देगा। यार ये देखो ना यार, बताओगे सबको? हाँ सर, कार्ड बनवा दोगे? हाँ मैं बोलूंगा सबको कि आप लोग अपना अपना कार्ड बनवा लीजिए। अरे मदद भी मदद भी कर देंगे सर। चलिए बहुत बढ़िया, मदद भी कर देंगे। भाई जी इनको नहीं पता, मैं बताऊंगा। ओ भाई साहब यार अंदाजा लगाओ कि एक बंदा आता है वो भाई 15-16 साल से अपनी एक ऑपरेट नहीं करवा पा रहा था कि भाई उसके पास पैसे नहीं थे। भारत में 2 लाख एक काफी ज्यादा अमाउंट है गरीब के लिए, लेकिन देखो मोदी जी के कार्ड बनने की वजह से उसका इलाज हुआ और 17 साल बाद वो चलने के काबिल हुआ। और चल के आया मोदी जी के पास। कहता है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि चलना नहीं है, लेकिन मैंने आपका सुन के मैं आया हूँ क्योंकि मुझे आपका कोटि कोटि नमन मैंने आपको करना था, आपका शुक्रिया अदा करना था। देखो आज भारत का एक एक गरीब बंदा मोदी जी को दुआ दे रहा है और मोदी जी खुद अपने कदमों पर चल कर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हारा इलाज हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो जी ये सोचने वाली बात है, कोई वजीर आजम जाते ही तू अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देख ले। ओ भाई वो किधर जाते हैं, वो तो अपने मैं कहता हूँ कि जब उनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो वो बाहर के देशों में जाते हैं चेक कराने, और वहां पर देखो कि मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड बनाया वो कह रहे हैं उसको कि तू औरों को भी बोल कि वो बनाए और गरीब इसका फायदा उठाए ताकि भाई वो अजीब अजीब बीमारियों से मर ना सके। वजह एक और बात है, ये गाड़ियां घूम रही हैं मोदी जी। हाँ और मल्ले मल्ले में घूम रही है कि कार्ड बनाओ 5-5 लाख के। वही ना, तू थोड़ी रकम भी नहीं है 5 लाख, बड़ी इंडियन चीज है यार। बड़े दुनिया का बड़े से बड़ा ऑपरेशन 5 लाख के अंदर हो जाता है, तो बड़ी अस्पताल में, बड़ी हॉस्पिटल में यार, जिसमें गरीब बंदा जा भी नहीं सकता। वो देखो ना आज मोदी जी के सामने वो बंदा आया जो भाई 15-16 साल से अपना ऑपरेशन ही करा था, वो बोलता प्राइवेट वाले मुझे बोलते हैं 2 लाख रुपया, कहते हैं मेरे पास थे ही नहीं थे, लेकिन आज ये संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। कार्ड मेरा बना, मेरा इलाज शुरू हो गया और मैं ठीक चल के आपके पास आया। मैं सोचा यार 2005 में इसको मसला हुआ फिर इसको ऑपरेट कराया, तो मोदी जी से पहले की बात कर रहा है, पहले ऑपरेशन करा लिया, लेकिन ये कांग्रेस का दौर था ना। लेकिन कहता है कि भाई ये चीज तो ही नहीं, मैं चिरपाई पे लेटर आ और सितंबर में मेरा ऑपरेट हुआ ये सिर्फ इस कार्ड की वजह से, यानी 17 साल वो चरपाई पे लेटा रहा है। दुनिया भर में देख ले ऐसा प्राइम मिनिस्टर जमता ही नहीं है जैसा इंडिया का, कसम से ऐसा ऐसा मान जमाया ही नहीं है जैसा इंडिया का। वही अंदाजा लगा के गांव गांव गली गली घूम रहा है, लोगों से पूछ रहा है कि आपका कार्ड बना है कि नहीं बना, और भाई तुम्हें क्या सुविधा है, आपको सहूलत पहुंची है कि नहीं पहुंची। देखो तो भाई बोलता है, ये भी बोला है कि डॉक्टर ने आपको हमारा कार्ड दे के इलाज सही किया, ये तो नहीं बोला कि टाल दिया जाओ कि सरकारी है, सरकारी है। कहता है कि नहीं, नहीं कहता है जब मेरा अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी मुझे रखा, कहता है जब रिजेक्ट उन्होंने तब भी मुझे रखा कि भाई रुको हम कोशिश करें आपका जल्द से जल्द अप्रूवल, आपका हम लोग ऑपरेट करें। अप्रूवल आ गया मेरा जल्दी और मेरा इलाज शुरू हो गया और ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन। ये देखो ये है कि भाई इंडिया के डॉक्टर्स भी आज भाई भारत का हर एक बंदे को एक ऐसा इंसान समझ रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुत्ते की इज्जत होगी ना हॉस्पिटल में, सरकारी में इंसान की नहीं होगी। वजह तू पैसे भी दे तो नहीं दे रहा इलाज कोई करता, पैसे दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा ता भी कुत्ते की तरह बंदा जलील होता है, प्राइवेट की तो दूर की बात है। वाकई ये आपके 100% बात कर रहा है, प्राइवेट तो वो कुत्ते की तरह जलील करते हैं पैसे लेके। तो वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब मोदी जी के इस काम पर, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।